राजदीप सरदेसाई की एक किताब आई थी 2014 इलेक्शंस विच चेंज द इंडिया। अब मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि एक और किताब लिखे कि 2017 और 18 का उपचुनाव जिसने भारत को बदल दिया। जी हाँ, उपचुनाव का दौर चल रहा है और बीजेपी को जो करारी शिकस्त मिल रही है उससे शायद मोदी और शाह थोड़े घबरा से गए होंगे। सबसे अहम बात यह है कि आपने पिछले चुनाव में गोरखपुर और फूलपुर में देखा होगा कि कैसे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आज कैराना और नूरपुर, अभी हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश का सेक्टर नोएडा सेक्टर 8, एक गांव जिसका नाम है हरोला, आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं बातचीत करने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि हम उनसे ज़मीनी मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि जो आजकल पत्रकारिता हो रही है वहाँ से रिपोर्टिंग खत्म हो चुका है। हम इन लोगों से जानेंगे कि वास्तविकता में क्या कमी है, क्या कमी है कि उनके जो ज़मीनी स्तर का विकास है वो नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे एक एक करके और इनसे इनका मत जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं आज के राजनीति के बारे में। क्या नाम है चाचा आपका? जी परवेज आलम। पहला सवाल ये पूछूंगा कि जो आजकल जातीय समीकरण बन गई है, मैं हिंदू हूँ मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे सुरक्षित रहना है तो मुझे मोदी को लाना है, आप मुसलमान हैं तो आपका कोई प्रत्याशी मुसलमान होना चाहिए, आजकल की जो छवि बन रही है, लोगों की सोच बन रही है, इस पे पहली टिप्पणी मैं आपसे चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है भाईचारा चाहिए सबको, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं आपस में, कोई भी फ़र्क नहीं पैदा करना चाहिए। ये जो फ़र्क पैदा करते हैं ये नेता लोग, ये सब हमें आपस में लड़ाते हैं, न हिंदू अलग है न मुसलमान अलग है न सिख अलग है ना ईसाई। कुछ बोल रहे थे, वो सब अपने अपने राजनीति के लिए, फायदे के लिए, जाति पाति की लड़ाई, दंगे फसाद, ये सब जो है राजनीति के लिए करते हैं। अच्छा, एक आजकल एक नारा बहुत चल रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। 14 में चला था हर हर मोदी घर घर मोदी, अब चल रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ। जी जी, हमने भी वोट दिया था, हमारी भूल कमल का फूल, हमने भी वोट दिया था मोदी को। मतलब आप कह रहे हैं हमारी भूल कमल की फूल, हमारी जी जी हमारी भूल कमल का फूल, हमने भी वोट दिया था मोदी जी को, लेकिन वादे पे खड़े नहीं उतरे, झूठ का पुलिंदा बांध रखे ये। इस बात पे आपको ध्यान देना होगा, एक आदमी जो कि यहाँ खड़ा है वो कोई बिजनेस या क्या करते हैं आप चाचा? जी मेरा कपड़े का काम है, कपड़े का काम करता है, यानी कि इस देश की अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत अहम योगदान है। और ये कह रहा है कि हमारी भूल कमल की फूल, मोदी जी आप ये जरूर सोचिएगा कि एक ऐसा नौजवान ये आपको क्यों कह रहा है, या इसे आप जातीय समीकरण के रूप में नहीं देखिएगा, इसे आप उस रूप में देखिएगा कि विकास क्या आपने सच में किया। हम पीछे बढ़ेंगे, यहाँ और कुछ दोस्त खड़े हैं, छोटे बच्चों से बात करूंगा, इधर आओ, क्या है छोटू इधर आओ, आ जाओ आप, आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ आओ, क्या नाम है आपका? सब लोग बोलते हैं देश का भविष्य, हाँ हम खड़े हैं आज देश के भविष्य के पास, क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करता हूं। कौन सी क्लास? मदरसा में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसा में पढ़ता हूं। कौन सी, कोई दर्जा होता होगा उसमें? दसगाह। दसगाह में पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब मोदी अच्छा है राहुल गांधी अच्छा? हालांकि ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आपके विचार में क्या हो रहा है? ये सही नहीं हो रहा है मोदी के बारे। क्या सही नहीं हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, देश के भविष्य थे, हो सकता है इनकी जानकारी में थोड़ी कमी रह गई हो, लेकिन अब पीछे बढ़ेंगे और भी कई लोग हैं जो अपना मत रखना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि उनकी भूल कमल की फूल आखिर क्यों। और आप लोगों ने इसे कैराना और नूरपुर में देख लिया होगा, पश्चिम बंगाल में भी देख लिया, टीएमसी आ गया, झारखंड में भी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गया है। अब एक भैया से बात करें, क्या नाम है आपके भैया? मेरा नाम है इस्तखार। इस्तखार, इस्तखार जी सवाल ये है, बीटेक सेकंड ईयर में आप, और मेरी भी फेनी की दुकान है। अच्छा, मतलब आप बीटेक सेकंड ईयर, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं? कर रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, अभी आप कैमरा घुमाओ इधर, आपको कस्टमर एक भी नहीं दिख रहा। कैमरा दिखाइए एक बारी, कस्टमर आपको आता हुआ दिख नहीं रहा है, जबकि पिछले साल या मतलब एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। और ये धूप की वजह से नहीं है, ये महंगाई की वजह से है। महंगाई की वजह से? और महंगाई क्यों? चलिए, आखिर मैं बोलता था, मेरा ये मानना भी था कि अगर युवा से हम बात करें तो कोई नई बात जरूर उठ के सामने आती है, एक नया शब्द आया है महंगाई, हालांकि ये शब्द नया नहीं है, पिछले 16 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इतना महंगा हो गया कि हम कहाँ से लाएंगे। जो ये फेनी पहले 70 रुपये बिका करती थी, आज 100 रुपये बिक रही है, तो रीज़न तो यही, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन में जितना मतलब खर्च हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको दोषी ठहराते हैं आप इसके लिए, सरकार को या फिर किसी और? सरकार है और कोई और कौन हो सकता है, सरकार ही है इसके। इसको वोट देंगे आप इस बार? मैं दूंगा नोटा को, कोई नहीं इनमें से। ताली बजाइए सब लोग इनके लिए एक बार। ये जवाब सुनकर मैं इतना उत्साहित हूँ आपको बता नहीं सकता, थोड़े थोड़े मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए हैं। एक लड़का जो बीटेक सेकंड ईयर में है, अपनी रेडी लगाता है, वो ये बोल रहा है कि मैं नन ऑफ द अबव दबाऊंगा, क्योंकि वो किसी से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। यहाँ मोदी राहुल का चक्कर नहीं है, यहाँ चक्कर है तो विकास का। वो लड़का इतनी उसकी आंखों में और उसके हाथों में कपकपाहट थी बोलते वक्त कि हाँ अभी कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, हाँ महंगाई की मार से पूरा जनता परेशान है। दोस्त देखो, महंगाई तो कम होगी या नहीं होगी इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा जज्बा है इसे कायम रखो। अगला सवाल लेंगे, अगला जवाब भी लेंगे, अगला मत भी लेंगे।
क्या नाम है सर आपका, बताइए। आइए, आप डरिए मत, देखिए आप मत नहीं रखेंगे तो हम आपकी बातों के ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं पर्टिकुलरली हिंदू हूं, लेकिन आपके एरिया में खुश होकर आया हूं और आप मुझे पानी पिलाएंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक आलम। शुरुआत उस लड़के के शब्द से ही करेंगे, आप भी कुछ कारोबार करते हैं, क्या करते हैं आप? दुकान लगाते हैं। महंगाई इतना है कि एक भी कस्टमर नहीं है मार्केट में पूरे। दर्शक ये भी जान ले कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो दुकानदार हैं, हम किसी अंबानी या अडानी के मोहल्ले में नहीं आए हैं कि यहाँ पे लोग पजेरो और BMW से निकलेंगे और आपको एक नया सीख देकर जाएंगे। ये सारे लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, किसानी करते हैं और इनका एक ठेली लगा हुआ है और इनका कहना ये है कि यहाँ पे कस्टमर नहीं है। जी, महंगाई इतना बढ़ गया, पिछले साल 70 रुपये थे, अभी 120 रुपये, 100 रुपये रिफाइन कहाँ 70 रुपये था, अभी 100 रुपये है। ये मोदी की चाल है, ये सब मोदी की वजह से महंगाई है सब। आ गया समझ आपको, BJP वालों, मोदी की चाल है। अच्छा, यहाँ पे राजनीति में किसको इंटरेस्ट है, हाथ उठाएंगे जरा, राजनीति में कोई कुशल राजनीतिज्ञ हो, आइए। चचा, बात बहुत हो गई महंगाई पर, कमल की फ्यूल हमारी भूल। एक सवाल ये भी है कि अब तो जनता का मिजाज बदल रहा है ना, कैराना में वो हार गए, चेंजिंग तो हो रही है, बिहार में हार गए, तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? ये देखिए, सारे जो है बिक चुके हुए हैं, आप बिकने कौन बिक चुका है, कौन बिक चुका है, आप सस्पेंस मत रखिए। किसके सारे का मीडिया वाले, आपको मतलब मीडिया वाले बिक गए? हाँ, सारे BJP के आइकून गाते हैं, BJP के आइकून गाते हैं, बाकी का नहीं, गरीबों का नहीं, विकास का नहीं, मोदी का ही लहर है, मोदी का ही लहर है, RBI से लेके चुनावी आयोग से लेके सब मोदी का ही है, सब उसी का लहर। एक भरोसा दिलाता हूँ आपको मैं, हालांकि मैं भी मानता हूँ कि मीडिया बिक चुका है, लेकिन जिस दिन युवा बिक जाएंगे उस दिन सब खत्म हो जाएगा, हम अभी बिके नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ ये लोग कहते हैं कि मीडिया बिक चुकी है, और आपको शर्मसार होनी चाहिए कि आप उस संगठन में काम करते हैं जिसकी नज़र में आपकी इज्जत कुछ भी नहीं है। हम आपके साथ ऐसे ही नई कहानियों के साथ, नई लोगों के साथ और नई रिपोर्ट के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।